सोनभद्र में डाला चौकी क्षेत्र के बाड़ी स्थित 54 स्टोन क्रेशर प्लांट पर बीती रात तकरीबन 10 बजे मुंशी से मारपीट कर तीन नकाबपोशों ने 1.54 लाख रुपए की लूट के पश्चात लुटेरे एक गैस सिलेंडर लेकर भाग गए। डाला पुलिस जांच में जुट गई है। खनन क्षेत्र में लूट की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। बीती रात चौपन थाना क्षेत्र के डाला चौकी अंतर्गत बाड़ी स्थित 54 स्टोन क्रेशर प्लांट पर मुंशी से मारपीट कर तीन नकाबपोशों ने 1.54 लाख रुपए की लूट के पश्चात लुटेरे एक गैस सिलेंडर लेकर भाग गए। इस दौरान लुटेरों द्वारा मुंशी के साथ मारपीट भी की गई। मुंशी के सूचना पर मौके पर पहुंची डाला पुलिस जांच में जुट गई है। खनन क्षेत्र में लूट की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। आपका प्रमोद कुमार, फर्म का नाम 54 स्टोन। रात में प्रमोद जी क्या घटना हुई थी? लगभग 8:30-9 बजे के बीच में तीन नकाबपोश लोग आए हैं और तिजोरी में रखा लगभग 1.5 लाख रुपया लेकर फरार जब होने लगे तो स्टाफ लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया। जब प्रयास किया तो उस दौरान उन्होंने स्टाफ के साथ मारपीट की जिससे कुछ चोटें स्टाफ को आई है। उसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना देने के उपरांत डाला चौकी इंचार्ज अपने हमराइयों के साथ घटनास्थल पर मौजूद हुए और अपने स्तर से उन्होंने गहन इसकी छानबीन की, मगर 12:30 बजे रात तक कोई पता नहीं लग पाया था। अच्छा, आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है? सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जो अभी कुछ दिनों से खराब है, उसका एक पार्ट्स नहीं था इसलिए वो खराब चल रहा है। एक घटना संज्ञान में आई है, थाना 54 का ये मामला है, 54 स्टोन क्रशर है वहाँ पे, और वहाँ जो कर्मी मौजूद थे उन्होंने ये शिकायत करी कि कल तीन लोगों ने आके वहाँ क्रशर पे जो पैसा मौजूद था 1.5 लाख रुपया वो लूट के ले गए, उनके साथ मारपीट करी है। हमने जाके मौका पे जाके एक कर्मी से हमारी भेंट हुई है, मौका मुआयना मैंने किया है और जाके मैंने उनसे बात भी करी है और उनका जो स्टेटमेंट है, जो कर्मी जिसके साथ मारपीट हुई है पैसा छीन लेना बताया है, उनका स्टेटमेंट मैंने लिया है। हम उस स्टेटमेंट की सत्यता को हम वेरीफाई करा रहे हैं और वहाँ पे और भी दो लोग मौजूद थे उन्हीं के एम्प्लॉय, तो उनको भी बुलाया जा रहा है, उनका भी बयान लिया जाएगा और कुछ संदिग्ध व्यक्ति इसमें जो है उन पर जीरोइंग किया गया है और उनका लोकेशन पता करवाया जा रहा है और उनको बुला के पूछताछ की जाएगी कि वो घटना में शामिल थे कि नहीं। हमें ये आशा है कि बहुत जल्दी इस घटना का खुलासा हो जाएगा। वहाँ पे क्या सीसीटीवी वगैरह भी लगाए गए थे? वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था लेकिन वो खराब था तो वो अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं था इसलिए हमें कोई फुटेज नहीं मिला है। आसपास के क्षेत्र में हम पता करा रहे हैं कि कहीं से हमें कोई फुटेज मिल जाए तो उसको भी यूज किया जाएगा।